लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। सोने की द्वारिका में आकर अभी सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुके, केवल एक रात्रि को रुके। आज दोपहर में आए और दूसरे दिन प्रातः होते ही श्री कृष्ण बोले, लाला अब मैं जाना चाहता हूं। कृष्ण बोले, जाना चाहते हो तो जाइए, जाने की बड़ी इच्छा हो रही है तो जाइए, रोका किसने? देखिए, रोका भी नहीं, धोती तक नहीं बदली, जैसे आया था वैसे ही चल दिया। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया था, और सुदामा जा रहा है तो बार बार क्या कर रहा है? कृष्ण की याद करता हुआ जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं बोला कि कुछ नहीं दिया कृष्ण ने, मन ही मन में सुदामा क्या सोच रहे हैं, मेरा कन्हैया कितना भालू है, कितना कृपा का सागर है, क्योंकि क्वाहं दरिद्रां पापिहान क्वाहं कृष्ण ब्रह्मा बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहां मैं दरिद्र पापी और कहां लक्ष्मीपति, मेरा मित्र श्री कृष्ण। अरे वाह रे कन्हैया, ऐसी कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी करुणा का रूप मैंने आज तक नहीं देखा, कृपा का वास्तविक रूप तुम हो गोविंद। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं। 6 महीने तो जाने में लगे, 6 महीने आने में लगे, और जैसे ही सुदामा जी अपनी कुटिया के पास पहुंचे, ब्याह की कुटिया थी, वहां पर जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा? सुदामा मंदिर देख डरे। जहां कुटिया थी वहां क्या है? महल बन गया, और सुदामा जी डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हते मेरे छोटी सी झुपड़िया। और अब क्या हो गया? अब कंचन महल खड़े, सुदामा देख डरे। क्या डरे? सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सुंदर सा महल। सुदामा बोले, मेरी झोपड़ी कहां गई, मेरी कुटिया कहां चली गई, अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और वहां भी एक दरबार खड़ा है। दोनों ने सुदामा से पूछा, सुनिए, सुदामा ने दोनों को पूछा, सुनिए कहिए क्या बात है। दरबानों ने कहा, ओ महाराज,
यहाँ पहले कुटिया होती थी। दरबानों ने कहा कुटिया का तो पता नहीं, ये तो सुदामापुरी है, कहिए क्या बात है। और हमारे बीच में कीर्तन मंडली आई हुई है और श्री पंडित श्री जयशंकर जोशी जी से निवेदन है, जो देवभूमि कुमाऊं ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं, कृपया कीर्तन मंडलियों का यथायोग्य सम्मान करें। आप सभी आए हुए मेहमानों का इस भागवत रूपी गंगा में व्यासपीठ की ओर से और देवभूमि कुमाऊं ट्रस्ट की ओर से और बाबा बालकनाथ जी मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद। बालकृष्ण सदा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बना के रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सुदामा खड़े सुदामा।
सुदामा जी ने पूछा, महाराज जी क्या है? बोले ये तो सुदामा पुरी है, हमारे बीच में उत्तरांचल युवा परिषद पंचकुला हरियाणा से संस्थापक श्री बालादत्त बेलवाल जी पधारे हुए हैं और मेरा देवभूमि कुमाऊं ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं और समस्त कार्यकर्ताओं से ये आग्रह है कि श्री बालादत्त बेलवाल जी का यथायोग्य सम्मान किया जाए। श्री भास्कर पैलेस के मालिक श्री भास्कर नैनवाल जी आए हुए हैं और उनका भी अपनी संस्था के ओर से यहाँ पर हार्दिक स्वागत और इस व्यासपीठ की ओर से भी हार्दिक स्वागत है। और श्री पंडित जयशंकर प्रसाद जोशी जी से निवेदन है कि श्री नैनवाल जी का भी यथायोग्य स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। और नैनवाल जी की ओर से यहाँ पर भंडारा का भी योगदान है, एक बार इन दानी सज्जनों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हमेशा समाज सेवा के रूप में अच्छा खासा काम है, लोग भी सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री राधे और आज दरबारों ने जब कहा सुदामा पुरी है, सुदामा जी सोचने लगे लेकिन मेरी तो कोई पुरी नहीं थी, इसका मतलब कोई और होगा जिसने मेरी जो झोपड़ी थी वो हटा दी और यहाँ जो महल बस लिया। सुदामा ने कहा सुनो भैया, अपने सुदामा सेठ को ही बुला लाओ, मैं उनसे पूछ लूं मेरी झोपड़ी कहाँ गई। अरे झोपड़ी तो गई, मेरी तो पत्नी भी थी बच्चे भी। दरबान बोले वे सेठ नहीं है, वे तो पंडित जी है। दरबान ने क्या कहा? अरे वो तो पंडित जी है। सुदामा ने कहा पंडित जी तो मैं भी हूं, लेकिन इस प्रकार की कोई नगरी मेरी नहीं है। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखें, भागवत के बीच में बातें ना करें और किसी को बात करनी है तो कृपा करके वो जा सकता है, क्योंकि भागवत जी में ये अच्छा नहीं लगता अपनी बातें कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि अपना नुकसान तो है पड़ोस में जो सुन रहा है उसका भी नुकसान होता है। तो एक बहुत बड़ी कृपा करना, अगर कथा नहीं सुननी तो कोई आप बाहर जाकर बात कर सकते हैं, बाद में लंगर खाने आ जाते, लेकिन बातें ना करें क्योंकि उसमें न कथा सुनाने का मन करता है। और फिर मैं भी इधर उधर की गप करके आज का समय पूरा करूंगा और जय जय श्री राम। बड़े भाग्यों से जो है ऐसा समय मिलता है कथा सुनने का, भगवान के नाम से कीर्तन का समय मिलता है, और अगर हम वो मौका भी गंवा दें तो बेकार। घर आई हुई गंगा में ही स्नान ना किया तो हरिद्वार जाकर क्या गंगा स्नान करोगे। इसलिए सभी से निवेदन है, क्योंकि उसमें जो है हमारा भी मन इधर उधर हो जाता है, तो ये बहुत बढ़िया आपकी कृपा होगी, कृपया थोड़ी देर जो है शांति रखना। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।